इस क्रैश से मैं एक ऐसे जंगल में फंस गया था जिसके बारे में सबने बस सुना ही था, ना कि उसको कभी देखा था। तो ये है डार्क वुड। कहा जाता है कि इस जंगल में कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं होती है। मिस्टीरियस एंटिटीज एंड मॉब्स से भरा पड़ा है ये पूरा एरिया। यहाँ से एस्केप करना कोई इजी टास्क नहीं है, क्योंकि चारों तरफ ये बहुत ही बड़े समुद्र से घिरा हुआ है, और इन्हीं सब के बीच मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है। क्रैश के टाइम मैं अपने दोस्त से बिछड़ गया था, इसलिए मुझे उसको यहाँ से ढूंढना है और इनसे बचते हुए यहाँ से जिंदा लौटना है। अब तो फिर मैं इस जंगल में लेने के आया हूँ, मेरी जरूरत क्या थी यहाँ पर? इन सवालों के जवाब तुम्हें इस वाले वीडियो में मिलेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। वेट, मैं जिंदा हूँ ब्रो, मैं जिंदा हूँ, कैसे हूँ? और ये कौन सी जगह है भाई? ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी नहीं मरा। यहाँ पर धमाका हुआ है, लिटरली आग जल रही है। शायद मैं किसी हेलीकॉप्टर के पार्ट के साथ नीचे गिरा हूँ, और यहाँ पर मैं बच कैसे सकता हूँ? तो आई डोंट नो, लेकिन ये जंगल बहुत अजीब लग रहा है यार। कि वो जंगल तो बिल्कुल नहीं लग रहा है जहाँ पर मैं एक फ़ोटो खींचने आया था, वो शेर वगैरह के। लेकिन वेट, मेरी फ़ोटोज़ कहाँ है? प्रो मेरी इन्वेंट्री खा ली है पूरी, मगर फ़ोटोज़ तो वेट, मैं फ़ोटोज़ की चिंता क्यों कर रहा हूँ? आया हमको भी तो ढूंढना है, वो भी तो हेलीकॉप्टर के साथ नीचे गिरा था। अबे वो तो यहाँ पे है ही नहीं भाई, या तो वो मेरे से दूर गिरा है या फिर मैं भाई मैं हम लोग बिछड़ गए यार, शिट। मेरे पास जितने भी टूल्स वगैरह थे, आयरन का आर्मर था, वो सब अभी गायब हो चुका है। एक बार को मान भी लेते हैं कि मैं ऊंचाई से गिरकर बच गया, एक मेरा लक अच्छा था, मैं बच गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि मेरी इन्वेंट्री यहाँ पे क्लियर कैसे हुई? वो ऐसे फॉरेस्ट में मेरे को वो डॉग मिला है, बस मेरे पास बोन्स होते मैं इसको टेम कर लेता। अबे केव है ये तो, बहुत ही ऐसी मतलब पूरी वाइब नहीं आ रही इस केव से। वो तो ब्रो मेरी स्क्रीन शेक हुई थी अभी यहाँ पे, और राइट सो मुझे यहाँ पर एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं अपना एक सिक्योर बेस बना सकूँ, जैसे कि एक रिवर जैसा इलाका जहाँ पर पानी के पास मैं अपना बेस बना सकूँ। ब्रो 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 मैं जगह ही ढूंढता रह गया, और यहाँ पर रात होने को आई है, और एक तो मेरे को इतना डर लग रहा है, और मैं रात को खुलेआम घूम भी कैसे सकता हूँ? वैसे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऊपर की तरफ लाइट्स आ रही है? ब्रो ब्रो कैंप फायर चल रहा है ऊपर भाई, लगता है आया मैं वहाँ पर, लेट्स गो भाई, ऊपर कैंप फायर चल रहा है सच्ची में। ऐसा लगता है यहाँ पर कोई सर्वाइवर है, या फिर यहाँ पर आया भी हो सकता है। अब मुझे अंदर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रात हो रही है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। ओके सो मुझे खोलना चाहिए अंदर, तो वैसे अबे कोई नहीं है अंदर, बट बाहर भी कोई नहीं है, अंदर भी कोई नहीं है। अगर बेस है तो इतनी रात को कोई तो फिट। यहाँ पर मेरे को ब्रेड्स मिली है एंड एक बुक भी है यहाँ पर, मैं बुक का कोई नाम ही नहीं है, ओनली लास्ट लिखा है। इसका मतलब अब थोड़ा सा ऐसा अजीब नहीं लग रहा है ऐसे, लाइक लास्ट ये कैसा नाम हुआ अभी? एंड मेरे को देखना चाहिए इसके अंदर। ओके सो इफ़ यू आर रीडिंग दिस कंसिडर मी गॉन नाउ इट्स योर टर्न। अबे क्या है मतलब, इफ़ यू आर रीडिंग दिस कंसिडर मी गॉन व्हाट नाउ इट्स योर टर्न। ओके तो पहले वाला बंदा मर चुका है और अभी हमारी बारी है। अटेम्प्टिंग टू एस्केप दिस जंगल नॉट ए वाइज मूव, इन्जॉय योर स्टे फॉर द नेक्स्ट 7 days। भाई ये डरा रहा है, क्या कर रहा है भाई? हेलो अब वेट, अबे मेरी स्क्रीन शेक क्यों कर रही है? भूकंप वगैरह आ गया क्या भाई? वेट मैंने तो बुकी तो पढ़ी है, और तो अबे वेट, अबे ये क्या था भाई? ओह शिट, ये दरवाजे पर है। ओके सो मैंने भी ब्लॉक्स लगा दिए हैं एंड आई थिंक अभी मैं सेफ हूँ, एंड मैं सो भी नहीं सकता हूँ, आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, मेरे को AFK करना पड़ेगा। तो अभी बहुत टाइम हो चुका है एंड अभी डे हो चुका है, मुझे अभी बाहर जाना चाहिए। डर लग रहा है बट जब यहाँ पर वैसे अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन
रात को जो मॉन्स्टर था वो कोई नॉर्मल मॉब तो फिर बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर मेरा डे टू स्टार्ट हो चुका था और मेरे को बहुत डर लगने लग गया था इस जंगल में। एंड मेरे को जल्द से जल्द आई एम को भी ढूंढना था, सो मैं थोड़ा सा जंगल को एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। ये इतने अजीब से साउंड्स आ कहाँ से रहे हैं, आ रही है मतलब अजीब सा ही है कुछ ही आ रही है। ए भाई व्हाट भाई, अभी किसने हेल्प मांगी मेरे से, पता नहीं किससे। ब्रो व्हाट, ये रहा भाई, ये आया मैं। अबे हेलो, अब नहीं, इसकी तो मुंडी फिरी हुई है, इसके तो हाथ से खून बह रहा है, मुंडी से खून बह रहा है, आँखों इसकी तो आँखें भी नहीं है। व्हाट द हेल, ये आया तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बट इसका इसके कपड़े तो सेम ही है। ये इतना अजीब सा आवाज़ कैसे निकल रहा है, मतलब कि क्या ये हो क्या गया इसको। नहीं मैं इसको जिंदा नहीं रख सकता भाई, ये मेरे को इन्फेक्टेड कर सकता है। अब नहीं, अब अगर ये आया हुआ तो ये मैंने इसको मार दिया है। देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अब ये मेरे को इन्फेक्टेड कर सकता था, बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये आयाम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मेरे को इसको ढूंढना पड़ेगा। सो जहाँ तक सेफ्टी की बात आती है, मेरे को एटलीस्ट आयरन के आर्मर में घूमना चाहिए, क्योंकि जैसा ये जंगल मेरे को लग रहा है यहाँ पर स्टोन के टूल्स बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं। अब जैसे रात में भी बहुत ही जैसे डेंजरस का मॉन्स्टर आया था, क्या पता ये डे बाई डे भी और पावरफुल हो जाए, तो मेरे को अपने आप को थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे केव है, बट कुछ ज़्यादा ही ऐसे स्पोकी सा नहीं लग रहा अभी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है। और वेट, यहाँ पे कोल है, आप ठीक है मेरा काम आएगा, क्योंकि मैं स्ट्रेट माइनिंग करने वाला हूँ, टॉर्च बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा इतने डेंजरस केव में मैं तो बिल्कुल भी माइनिंग करने नहीं वाला। What the hell guys, just look guys, ये क्या है ब्रो, यहाँ पर तो कुछ दिखेगा ही नहीं, माइनिंग की तो बात ही छोड़ो, यहाँ पे माइनिंग कौन करेगा अभी भाई, फट के 64 हो जाएगी यहाँ पे माइनिंग करने जाऊँगा तो मैं। यस यही सबसे बेस्ट आइडिया है माइनिंग करने का इस टाइम पर। आई नो आयरन थोड़ा नीचे लेवल पे मिलता है, लेकिन वॉट, अबे नहीं कि वापस स्क्रीन चेक करना स्टार्ट हो गया, तो आई थिंक रात हो गई है, अब इसका मतलब वो ओवर पावरफुल हो गया है, या फिर वो नीचे ना आ जाए बस लॉक तोड़ के। ओके हो गया सही भाई, हवा टाइट हो गई थी अभी। अबे नहीं यार, ये आसपास ही घूम रहा है यार, क्या मैं अभी कर क्या सकता हूँ, अब मेरे को यही पे रहना चाहिए, क्या मतलब वो मेरी मूवमेंट को लोकेट कर रहा हो। ओके आई थिंक सब फाइन है, कुछ नहीं हुआ, मैं भी ठीक हूँ। एंड अभी माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं, जब तक मैं नीचे हूँ मेरे को नहीं लगता वो मॉन्स्टर्स ब्लॉक्स को तोड़ सकते हैं। ओके आयरन मिल गया है हम लोग को फाइनली, एंड वन ओके वन एंड टू दो थ्री एंड फोर एंड फाइव, ओके सो पूरे 5 आयरन मिला है हम लोग को, नहीं 6 है, ओके हम लोग को 6 आयरन मिल चुका है, बट हम लोग को थोड़ा और चाहिए क्योंकि आयरन का फुल आयरन बनाना है, कि अब और माइनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आयरन की ज़्यादा क्वांटिटी थोड़ी नीचे होती है, और मैं डर के मारे ऊपर ही ऊपर माइनिंग करने लग गया हूँ। यस ऐसे प्लेस करो एंड माइनिंग करो, बहुत दिक्कत है यार, बार बार मेरे को प्लेस करना पड़ रहा है एंड आयरन मिला ही नहीं रहा भाई, बहुत टाइम हो गया अब तक तो। ऑलराइट हम लोग को और भी आयरन मिल गया है, लेट्स सी ये कितना होता है। ओके नाइस, बहुत सारा था, मैं इतने सारे रास्ते बंद करके आ रहा हूँ, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे से अगर कोई मॉन्स्टर पीछे पड़ गया तो मैं भागूंगा कैसे ब्रो। ओके नाइस, ये सही है ब्रो, स्ट्रेट माइनिंग करना भी बुरा नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में पता नहीं मतलब उस जंगल में भी बहुत सारा आयरन, इन सारे वर्ल्ड में आयरन कुछ ज़्यादा ही है।
अबे भाई अब कौन रोने लग गया? बहुत ही अजीब सी आवाज निकाल रहा है भाई, ये कौन सा मॉन्स्टर है भी? शिट भाई, ओके नाइस, यहाँ पे और भी ज्यादा आयरन है। सो ऑलमोस्ट अभी मेरे पास बहुत सारा आयरन आ चुका है एंड अभी मेरे को थोड़ा स्मेल्ट करने के लिए रख देना चाहिए एंड आयरन कार्बन बना देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को माइनिंग करते करते ऑलमोस्ट ये तीसरा दिन है, क्योंकि तुम लोग को मैं कट करके दिखा रहा हूँ बट यहाँ सीरियसली इसमें बहुत टाइम लग रहा है। ऑलराइट, सो ये हम लोग की चेस्ट प्लेट एंड ये रहा हम लोग का हेलमेट, देन बूट्स एंड पैंट। फॉर प्रोटेक्शन हम लोग को सॉर्ड भी चाहिए एंड वुड काटने के लिए एक्स भी जरूरी है। शायद अभी मैं रेडी हूँ आयम को ढूंढने के लिए, तो अभी आई थिंक अभी डे 4। क्या है शिट, ये मेरे पीछे पड़ चुका है? नो, बस मेरे को ये पकड़ना ले, मेरे को जल्दी से भागना पड़ेगा और मैंने पीछे ब्लॉक्स ब्लॉक कर रखा है। शिट, मैं तोड़ूंगा तो मेरे को पकड़ लेगा एंड शिट भी भाई बच गया मैं। इसका मुंडे देखो भाई, कितना क्रीपी लग रहा है। मैं पता नहीं मैं कैसे बचाऊँ बट या मेरे को नहीं पता, ये ब्लॉक को तोड़ देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। रहूँगा अब ये ओके आ जाएगा। ओके फाइनली रास्ता मिला मेरे को। ओके यहाँ से रोशनी आ रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड अभी दिन ही हो रहा है और ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डे बाई डे और जंगल थोड़ा और भी ऐसे फॉगी सा हो रहा है अभी। एंड नाउ मैं डे 4 पर हूँ, सो यार डे 7 आने वाला है और जैसे कि उस किताब में लिखा था डे 7 पर कुछ बुरा हो सकता है। एंड वेट, यहाँ पे एक डॉग भी है एंड आई थिंक मेरे पास बोन्स है या डन, मेरा एक पेट बन चुका है यहाँ पे और अब मैं अकेला महसूस तो कम से कम नहीं करूँगा अभी। तो यहाँ पर एक बड़ा वाला डॉगी भी है तो ये ओके, सो इसको भी हम लोग टेम कर सकते हैं। हम लोग के पास दो डॉग्स हैं एंड ब्रीड करवा के पूरी आर्मी बना सकते हैं। सो क्या मॉन्स्टर्स से मेरी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन हो ही जाएगी। नाउ प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरा फूड ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे कोई भी मेरे को और मॉब ही नहीं मिल रहा है जिसको मार कर मैं अपना फूड बना सकूँ। एंड ए बुक मेरे को बार बार टेंशन दिला रही है जो कि है 7 days, नेक्स्ट 7 days। सो यहाँ मेरे को डर लग रहा है। सो फूड के लिए मैं एक फार्म बनाने की सोच रहा हूँ, सो उसके लिए मेरे को पानी चाहिए एंड मेरे को पता है पानी मेरे को कहाँ मिलेगा। फॉर प्रोटेक्शन अपने डॉग को साथ लेना बेहतर उपाय होगा। वैसे आई डोंट नो यहाँ पर दिन में मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं या फिर नहीं है, सो यहाँ मैं जंगल में थोड़ा डीप जाने वाला हूँ सो इसलिए मैंने अपने डॉग को साथ लिया है। नज़दीक में ही दा पानी मेरे को मिल गया है, सो या कलेक्ट करते हैं इसको। लेट्स गो, जल्दी से बेस पर चलते हैं, अपना काम चालू करते हैं। देन मैं अपने बेस पर पहुंच गया एंड ऑलमोस्ट रात हो गई थी इसलिए मैं सो गया। अब मेरा डे 5 चल रहा था और मैं जंगल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग गया ताकि कोई स्ट्रक्चर वगैरह मिले और मेरा कोई फूड वगैरह का काम हो जाए। जंगल एक्सप्लोर करने का मेन रीज़न तो आयम को ढूंढना था। ओए काउ मिल गई भाई, फूड नहीं फूड, अरे भाई काउ कब से मारने लग, अबे ये काउ तो नहीं है बट नहीं काउ है बट काउ नहीं काउ है पर लाल लाल क्यों है? एक तो वैसे ही मेरे पास हेल्थ नहीं है और ऊपर से ये और हेल्थ खत्म कर रही है एंड कुछ ड्रॉप भी नहीं किया। ब्रो वेट, वो सामने क्या है? कोई मॉब है? मॉब, अबे मॉब नहीं है। और पीछे बढ़ गया। शिट, पीछे बढ़ गया। अबे सच में नहीं, रात भी हो रही है, पता नहीं ऐसे कौन भाई आया, हम किधर यार, बचा ले यार। शिट, क्या बच भी पाऊंगा इससे? ओ नो, अबे ओके। सो अभी इसका ध्यान भटक चुका है मेरी तरफ, नहीं मेरे को भागा। शिट क्रीपर नहीं, मेरी हेल्थ बहुत कम है। शिट अगर वो वापस आ गया तो मैं गया, मेरी हेल्थ बहुत कम है।
ओके पहुंच गया एंड मेरे डॉग्स किधर हैं? वेट, अब एक पपी बाहर बैठा था और एक मेरे साथ था। ओके सो बाहर वाला भी नहीं है और साथ वाला भी नहीं है और मेरे पास फूड भी नहीं है, मेरा हंगर पार लो होता जा रहा है, मेरे पास हर्ट्स नहीं है, लाइक दो हर्ट पे बचा हूँ, फूड तक नहीं है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ अभी? वेट, सो मेरे को थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। एक तो मेरे ब्लॉक जो मैंने लगाया था वो टूट गया है एंड यहाँ पे आग लग चुकी है ऑटोमेटिकली एंड बाहर बिजली कड़क रही है। सो अंदर कैसे लगी मेरे को नहीं पता, और जब भी वो ब्लैक मॉन्स्टर आसपास होता है बिजली कड़कती है, इसका मतलब वो बाहर ही घूम रहा है। क्या कोई बाहर से खोद रहा है ब्लॉक को? क्या मेरे को ऐसे सुनाई दे रहा है? सच में नहीं। ओ नो नो, अभी उसने एक ब्लॉक तोड़ा है एंड अभी वो सेकंड ब्लॉक तोड़ेगा। प्लीज आप रो, मेरे को बहुत डर लग रहा है, वो मॉन्स्टर ना तोड़ रहा वो सब कुछ। ओ नो, अभी उसने एक और तोड़ा एंड अभी प्रूफ हो चुका है कि सच में कोई ब्लॉक तोड़ रहा है एंड नाउ दी एंड आ चुका है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस वेट ही कर सकता हूँ उसके अंदर आने का एंड मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो यप, वो आने वाला है, अंदर आने वाला है एंड आया। तू है क्या? हेलो, और राजू तू है? हाँ भाई, तो तू डर क्यों रहा है? ये मैं ही हूँ भाई, मेरे को तूने डरा दिया एकदम से। ऐसे मैं अंदर था और बाहर से ब्लॉक टूट रहे थे, मेरे को लगा कोई मॉन्स्टर आ गया है और भाई मेरी फटके 64 हो गई थी, लेकिन थैंक गॉड ये तू ही है भाई। तू कहा था, कब से ढूंढ रहा हूँ तेरे को सच में। मैं यही पे था, मतलब मैं इसी जंगल में था और मैं भी तेरी तरह ही क्रैश हुआ था उस जगह। देखो याद है हम लोग उस जंगल से आए थे हेलीकॉप्टर में, तो मैं जैसे कि आगे हम लोग के सामने तूफान आ गया था तो हम लोग क्रैश हो गए थे, तू मेरे से दूर और मैं कहीं और मैं इसी जंगल में तेरे को कब से ढूंढ रहा हूँ। और एक बात बता, तेरे हाथ में एक खून क्यों लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ था तेरे को? ये तो मैं क्रैश हो गया था सो लग गई और मेरे पता नहीं है, जंगल थोड़ा सा वियर्ड है पर अजीब अजीब सी, यहाँ पे बहुत अजीब अजीब सी आवाज आती है, कोई भी मॉप भी नहीं है और ना ही फूड है, और जो सप्लाई हेलीकॉप्टर में भी थी वो भी खत्म हो गई। भाई सप्लाई की बात छोड़, मेरे यहाँ पे जो फूड भी नहीं है, लाइक एक मैंने काउ देखी थी और वो भी भाई मतलब ऐसा खून से लंगती हुई, जॉम्बी से इन्फेक्टेड थी, सारे मॉप यहाँ पे इन्फेक्टेड है और जॉम्बीज वगैरह भी मेरे को तो यहाँ पे इतने नहीं मिले। सो बस मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि बहुत डेंजरस जंगल है, और ये बेस दिख रहा है ना, ये बेस भी मेरा नहीं है, ये मेरे को किसी सर्वाइवर का मिला था और इसके अंदर एक चेस्ट में मेरे को थोड़ा बहुत फूड भी मिला था और उसी फूड से मैं अभी तक जिंदा हूँ और वो भी ख़त्म हो चुका है और मेरी हर्ट भी हाफ हर्ट पे हो। और एक और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसमें मेरे को एक बुक मिली थी एंड तू वो बुक देख तो सही, वो बहुत मतलब तू उसको पहले पढ़ तू। ये तो एक नॉर्मली बुक क्या है? ये नॉर्मल बुक है जो, लेकिन इसके अंदर जो स्पेशल बात है वो इसके अंदर है, तो एक बार इसको पढ़ के दे। If your reading this considered may go, now it's your turn. Attempting to escape the jungle is not a wise move. Enjoy your stay for next 7 days. ये तो कुछ अजीब सा ही भी मतलब लग रहा है, समझ रहे मतलब क्या? देख इसका एक ही मतलब है कि हम लोग के पास ओनली 7 days, लेकिन वो सब छोड़ तो मेरे को ये बात बता कि तेरे हाथ में क्या है ये? ये तो टेलीफोन है, हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे और हेल्प मांग सकते हैं। ये कनेक्ट होगा? सीरियसली कनेक्ट होगा? हाँ भाई हाँ। तो किसका वेट करना है, जल्दी करना, हम लोग अभी मैं तो ये कनेक्ट हो जाएगा आई थिंक, देख इसको। कनेक्ट करता हूँ। वेट, ये स्क्रीन शेक क्यों कर रही है? अबे शिट, कोई भूकंप आ रहा है, ऐसे नहीं लग रहा था को? वेट भाई रुक, सही में ये हैंड्स किसके है? मेरे को नहीं पता, ये मॉन्स्टर, ये तो वही मॉन्स्टर है जो मेरे को डे वन पे मिला था। अबे शिट भाई, ये कैसे अजीब सी जगह है? अबे शिट, वेट 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 वेट, नहीं नहीं, ओ लेट्स गो, हो गया हो गया हो गया। ओ वेट, ओके वो मॉन्स्टर भी चला गया है, हम लोग को जल्दी से इस काम को करना पड़ेगा, जल्दी से। हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हो ओवन? वापस से बोल। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हो ओवन? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो वापस से बोल, ट्राई करता रहे। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हो ओवर? हेलो हेलो ओ हेलो हेलो, एनीवन इज लिसनिंग टू मी ओवर? हेलो, हम सुन रहे हैं। हम लोग यहाँ फंस गए हैं किसी जंगल में जहाँ बहुत बड़े बड़े टाइगर ट्रीज हैं। क्या तुम वही हो जो बी ए टाइम के साथ क्रेजी राजू को शैडो वुड जंगल में लेने गए थे?
हाँ मैं वही हूँ जो B891 हेलीकॉप्टर के साथ प्लीज राजू को रेस्क्यू करने गया था। जिसका डर था वही हुआ, तो क्या आप बता सकते हैं ये आपका कौन सा डे चल रहा है? हमें शायद यहाँ 6 डेज खत्म हो गए हैं और 7 डेज स्टार्ट होने ही वाला है। ओह नो, देखो आपके पास बहुत कम टाइम है, कैसे भी करके वहाँ से निकलूँ 7 दिन से पहले। हम 4 घंटे तुम्हारा वेट करेंगे साउथ की तरफ, फिर हमें जाना पड़ेगा तुम्हें छोड़ के ना, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? हेलो 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 यार, ऐसा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार? बग डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब वो बंदे क्या बोल रहे हैं? आई एम शांत, देखो कोई आवाजें आ रही है, देखो कोई आवाजें आ रही है, बहुत ही अजीब सी और बहुत ही ज़्यादा लाउड आवाज़ आ रही है। हाँ भाई आ रही है, पता नहीं कुछ अजीब सा ही है ये तो। जैसा कि उसने बोला था स्किन वॉकर के बारे में, सो मंडे स्टार होने वाला है एंड आई थिंक स्किन वॉकर अभी इवॉल्व हो रहा है। सो अभी हम लोग को, जब तक वो इवॉल्व होगा 4 घंटों में हम लोग को साउथ की तरफ बढ़ना है। तो क्या तू रेडी है? हाँ बिल्कुल।